हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज टाइम एंड वर्क के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एसएससी और बैंक दोनों ही टाइप के एग्जाम में पूछा जाता है, और ये पार्ट वन है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने के तो वैसे तो बहुत तरीके हैं, बट मैं आपको फास्टेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ, एफिशिएंसी के थ्रू। ओके, लेट्स डू दिस। तो बेसिक एक फॉर्मूला है इस टॉपिक में जो हर जगह इस्तेमाल होगा, वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वर्क तो आपको पता ही है, कार्य समय, टाइम मतलब समय, और ये क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब था क्षमता। अब क्षमता मैं हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा, आई एम सो सॉरी। एफिशिएंसी क्षमता होती है, और क्षमता को बोलते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन वन डे। मतलब एक दिन में इतना काम होता है उसको कहते हैं एफिशिएंसी, क्षमता। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं अपने क्वेश्चंस पे। चलिए, क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल डू इट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए जो है 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, सो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए, अब वैसे तो पुराना तरीका है, ए 10 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, वैसे नहीं करना हम लोग को, हमको जो है फास्टर तरीके से करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप लिखेंगे ए, यहाँ पे आएंगे जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स, ठीक है। तो पहला वर्कर है ए, लिख लिया। दूसरा वर्कर है बी, उसको लिख लिया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेज, कितने दिनों में ये काम करता है। ए करता है इसको 10 दिनों में, बी करता है उसी काम को 15 दिनों में, ठीक। उसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, LCM 15 और 10 का LCM होगा 30, ठीक है। 30 हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब इतना कार्य हम लोग को करना है, 30 कार्य करना है। 30 कार्य करने को करने में ए लेता है 10 दिन, बी लेता है 15 दिन, 30 कार्य करने में। तो इनकी एफिशिएंसी क्या निकल के आती है, क्षमता। तो 30 कार्य करने में 10 दिन लेता है, तो एफिशिएंसी भी निकलेगी 30/10, 3। और बी की एफिशिएंसी होगी 2, ठीक है। और हम लोग देख ही रहे हैं कि जैसे हम लोग यहाँ देखा ही था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन वन डे एफिशिएंसी, तो 3 एफिशिएंसी आई है। तो एक जो है ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। अगर अब क्वेश्चन ये था कि ए प्लस बी कितने दिनों में काम करेंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों की क्षमता, ए 3 यूनिट काम करेगा, बी 2 यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में ये लोग 5 यूनिट काम कर देंगे, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी 5 5 यूनिट। जब एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं और 5 यूनिट कर रहे हैं 30 यूनिट करने में, इनको 30/5, 6 दिन लगेंगे, 6 डेज। वही फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे, देख सकते हैं आप, टाइम इज कॉस्ट टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही फॉर्मूला है। वर्क टाइम इज कॉस्ट टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज, एंड सी कैन डू इन 6 डेज, इन हाउ मैनी डेज दे टूगेदर विल डू इट। तो वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें यह है कि ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 10 दिनों में, सी करता है 6 दिनों में। तो पूछा है कि तीनों कितने दिनों में करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों किसी कार्य को उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये हम लोगों ने लिखा उसके डेज, कितने दिनों में काम करते हैं। फिर यहाँ आएगा इनका एलसीएम, 12 और 10 और 6 का एलसीएम होगा 12/60, 60। इनका एलसीएम है 60। अगर आपको एलसीएम इतनी जल्द इतनी स्पीड में, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो मैं वो भी आपको तरीका बता दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके ऊपर भी। तो फिलहाल हम देखते हैं एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी, अगर आपने एफिशिएंसी निकाल लिया तो आप आधा क्वेश्चन कर चुके हैं लगभग। एफिशिएंसी सी के, ए की एफिशिएंसी होगी 60/12 5, और बी की एफिशिएंसी होगी 60/10 6, और सी की एफिशिएंसी होगी 60/6 10। अब काम को करना, काम होना है ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी ऐड होगी, 5 + 6 + 10 15 6 21, 21 हो गई एफिशिएंसी। तो टाइम हो जाएगा वर्क, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब ये आगे 4 42 18/21 डेज। होप आपको समझ में आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।